हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट. और मैं हूँ श्रुति आपके साथ. एंड टुडे वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑफ क्लास 10 साइंस, चैप्टर 16, टॉपिक 16.3.2, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग. वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फेसिस करता है साइंटिफिक सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को. वाटरशेड मतलब ये कि किसी नई चीज को लाने के लिए, कह सकते हैं बेसिन से कह सकते हैं, या वाटर को बचाने की जो क्रिया है उसका मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है. और एम्फेसिस करता है वो साइंटिफिक सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को, ताकि इंक्रीज कर सके बायोमास प्रोडक्शन को. इसका एम ये है कि वो डेवलप करता है प्राइमरी रिसोर्सेज को लैंड और वाटर के लिए, और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी रिसोर्सेज जैसे प्लांट और एनिमल है फॉर यूज इन मैनर जो नहीं, जिसकी वजह से कॉज नहीं होगा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के ऊपर. वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ना कि सिर्फ इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को और इनकम को वाटरशेड कम्युनिटी के, बट ये मिटिगेट भी करता है प्रोडक्शन ड्राफ्ट्स को और फ्लड्स को, और इंक्रीज करता है लाइफ को डाउनस्ट्रीम डैम की और रिजर्वायर की. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं रिजुविनेट करने के लिए, या वापस से उसे जागृत करने के लिए, वापस यंग बनाने के लिए एंशियंट सिस्टम्स को, जो वाटर हार्वेस्टिंग की पहले यूज की जाती थी, एक अल्टरनेट सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे डैम्स. और ये कम्युनिटीज जो हैं ये यूज करती हैं हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस वाटर सेविंग मेथड्स, ताकि वो कैप्चर कर सके हर ट्रिकल ऑफ वाटर को, मतलब हर बूंद पानी की जो फॉल हो रही है उस लैंड पे. डग करती है स्मॉल पिट्स को और लेक्स को, पुट इन प्लेस सम सिंपल वाटरशेड सिस्टम यहाँ पर ऐसी जगह पर उन्होंने लगाई है, और स्मॉल अर्दन डैम्स उन्होंने बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं डाइक्स. डाइक्स का मतलब कह सकते हैं जो नहरें होती हैं, नहरें बनाई गई हैं. सैन एंड लाइमस्टोन रिजर्वायर बनाए गए हैं, और सेटअप किया है रूफ टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स को भी, और ये रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर लेवल को भी, और इवन रिवर्स जो है उन्हें पूरी तरह से भरी हुई बहने के लिए हेल्प करता है. वाटर हार्वेस्टिंग एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है इंडिया का. खादिन्स और टैंक्स या नदीज जो राजस्थान में कहते हैं, भंडाराज और ताल्स महाराष्ट्र में कहते हैं, बुंदीज मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहते हैं, आहार्स एंड पाइनीज बिहार में, कुल्हास हिमाचल प्रदेश में, पॉन्ड्स कांदी बेल्ट ऑफ जम्मू रीजन में, और इरीज मतलब टैंक जो है वो तमिलनाडु में कहा जाता है, सुरंगम्स जो केरला में है, और कट्टास इन कर्नाटका. ये कुछ एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो इंक्लूड करती हैं वाटर कन्वीनियंस को भी और स्ट्रक्चर को, जो स्टिल यूज किया जाता है अभी भी. फिगर 16.3 में हम एग्जाम्पल उसका दिया गया है. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है हाईली लोकल स्पेसिफिक है, और ये बेनिफिट जो है इसके ये भी लोकलाइज्ड है. पीपल जो है वो कंट्रोल करते हैं ओवर द लोकल वाटर रिसोर्सेज, एंश्योर करता है कि मिसमैनेजमेंट और ओवर एक्सप्लॉटेशन जो है इन रिसोर्सेज का वो कम हो सके या रिमूव्ड हो सके. ये 16.3 हमारी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिसे आइडियल सेटिंग है ये खादीन सिस्टम कहा जाता है. लार्जली जो लेवल टेरेन है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का, ये मेनली क्रिसेंट शेप का होता है अर्दन एम्बैकमेंट्स के साथ में. एम्बैकमेंट्स मतलब छोटी छोटी गलियां जिसमें बनाई है, जिसके थ्रू पानी बहे और लो, एंड स्ट्रेट कॉन्क्रीट और रबल चेक डैम्स बनाए गए हैं अक्रॉस सीजनली फ्लडेड गलीज, ऐसी जगहों पर जहाँ पर सीजनली फ्लड आते हैं, ऐसी जगहों पर. मानसून रेन्स जो हैं वो फिल कर देती हैं पॉन्ड्स को बिहाइंड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के पीछे जो पॉन्ड्स बने हुए हैं उन्हें पूरी तरह से फिल कर देती हैं मानसून रेन्स, और ओनली जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो होल्ड करता है वाटर को पूरे साल भर के लिए. मोस्ट जो है इसमें से वो 6 मंथ में ड्राई अप हो जाते हैं, और लेस आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद कुछ और उसमें से सूख जाते हैं. उनका मेन पर्पज़ इसलिए ये होता है कि ना कि सिर्फ होल्ड करना है वाटर को, बट वो वाटर जो होल्ड किया गया है उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी रीच चार्ज हो जाए. एडवांटेज जो है वाटर स्टोरेज का, ग्राउंड में बहुत सारे एडवांटेज हैं. ये ना कि सिर्फ इवोपोरेट नहीं होता, मतलब अगर ग्राउंड वाटर है तो वो इवोपोरेट नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो वो इवोपोरेट होने से बचाएगा.
और वो स्प्रेड करेगा अदर रिचार्ज वेल्स को, मतलब आसपास में जो कुएं हैं वो पूरे भर जाएंगे क्योंकि ग्राउंड में वाटर है, और प्रोवाइड करेगा मॉइस्चर वेजिटेशन के लिए, मतलब ग्रास एंड ऑल ये सब चीज़ें भी अच्छी वहाँ पर उगेंगी क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारा पानी है ओवर वाइड एरिया। इसके साथ साथ ये प्रोवाइड नहीं करेगा ब्रीडिंग ग्राउंड को फॉर मॉस्किटोज, मतलब हम देखते हैं कि जहाँ पानी जमा हो जाता है बहुत बार में, स्टैगनेंट वाटर जो होता है जो कलेक्ट होता है पॉन्ड्स में आर्टिफिशियल लेक्स में, उसके कारण जो इंसेक्ट्स हैं मॉस्किटोज फ्लाइज जो हैं वो फॉर्म होती हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल में या ग्राउंड वाटर में ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। ग्राउंड वाटर जो है ये रिलेटिवली प्रोटेक्ट करता है कंटेमिनेशन से बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल और ह्यूमन वेस्ट भी डायरेक्टली इसमें जा ही नहीं सकता क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर है वाटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम। जैसे कि हमने देखा कि कुछ इश्यूज इन्वॉल्व करते हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और वाटर, और ये मीट करते हैं हमारी नीड्स को परपेचुअली अगर हम यूज करेंगे उसे सस्टेनेबल मैनर में या एकदम सही तरीके से यूज करेंगे जो फर्दर लॉन्ग रन तक हमें हेल्प करेगा। नाउ हम अगर अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की बात करें जैसे फोसाइल फ्यूल्स की, तो वो है कोल और पेट्रोलियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के हमारे लिए। सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से हुआ है, इंडस्ट्रीज जब से एग्जिस्टेंस में आई हैं, हम यूज़ जो करते हैं इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी के यूज़ हो गया है ताकि हमारी बेसिक नीड्स को हम कंप्लीट कर सकें या मीट कर सकें, और मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स को जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है वो ज़्यादातर इन फॉसाइल फ्यूल्स पर डिपेंड है। ये एनर्जी जो हमें मिलती है लार्जली ये हमें रिजर्व्स के थ्रू मिलती है जो कोल और पेट्रोलियम के हैं। मैनेजमेंट जो है इन एनर्जी सोर्सेज का ये इन्वॉल्व करता है स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव को फ्रॉम दोज रिसोर्सेज जो हमने डिस्कस किए थे अर्लियर। कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होते हैं डिग्रेडेशन से, बायोमास का डिग्रेडेशन जब होता है मिलियंस ऑफ ईयर एगो उस मतलब लगता है मिलियंस ऑफ टाइम लगता है उसको, और उसके बाद आपको वो रिसोर्स मिलते हैं जो एग्जॉस्ट होते हैं इन फ्यूचर नो मैटर कितना केयरफुली हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरह से तो वो हमारे लिए यूज़ करने के लायक नहीं रहेंगे। एंड देन हमें देखना पड़ता है एक अल्टरनेटिव सोर्स भी एनर्जी के लिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि ये जो रिसोर्सेस हैं ये किसी कारणवश एग्जॉस्ट हो जाए तो हमारे पास में अल्टरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूरी होता है। बहुत सारे एस्टिमेट जो हैं कि किस तरह से ये रिसोर्सेस लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट हो सकते हैं वो कैसे होगा या हमें प्रेजेंट रेट में उसका यूज़ कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम रिसोर्सेज का जो अबाउट 40 ईयर्स तक मतलब विल लास्ट अस फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड कोल रिसोर्सेज वो 200 ईयर्स तक हमें यूज़ में आ सकते हैं ऐसा अभी हमारा अनुमान है। बट लुकिंग टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर अदर सोर्सेज की बात करें तो ये ओनली कंसिडरेशन नहीं है कि जब हम देखते हैं कंजम्पशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम की तरफ। सिंस कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो फॉर्म होते हैं बायोमास से इन एडिशन टू कार्बन जिसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सल्फर होता है। जब ये बर्न किए जाते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हमें मिलते हैं। जब कंबशन होता है तो इनसफिशियंट एयर मतलब ऑक्सीजन जो है और देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर इनसफिशियंट एयर ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑफ दिस प्रोडक्ट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होते हैं एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अनदर वे जो है कोल और पेट्रोलियम की तरफ देखने का वो ये है कि ह्यूज रिजर्वायर्स जो हैं कार्बन के वो हैं यहाँ पर, एंड इफ ऑल दिस कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और हम ये सारे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफियर में है ये इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी, और इसीलिए हमें ज़रूरत है यूज़ करने की इन रिसोर्सेज को जुडिशियली। जुडिशियसली मतलब ये कि बहुत सोच समझ कर हमें इन्हें यूज़ करना है, हम एकदम से इसका यूज़ पूरा फुल्ली नहीं कर सकते। एक्टिविटी 16.10 में कोल जो है वो यूज़ होता है थर्मल पावर स्टेशंस में, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल ये यूज़ होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि मोटर व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। हम रियली इमेजिन नहीं कर सकते हमारी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो क्या आपके पास कोई और वे है जिससे आप कंजम्पशन जो है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो रिड्यूस कर सकते हैं?
कुछ सिंपल चॉइसेस हमें यहाँ पे दी है जो डिफरेंस बताती है हमारी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न में. थिंक करना है रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज और एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर इसमें तीन चार चीजें दी है तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज को यूज करेंगे. आप टेकिंग अ बस यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग और साइकिलिंग. आप बस से जाएंगे या पर्सनल व्हीकल को यूज करेंगे या फिर साइकिलिंग या वॉकिंग करेंगे. तो डेफिनेटली वॉकिंग और साइकिलिंग अगर हम करते हैं तो इससे हमारे रिसोर्सेस बच सकते हैं और इवन हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है. तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है. वेल सेकेंड में यूजिंग बल्ब्स ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इन योर होम्स. आप बल्ब्स का यूज करेंगे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो हैं उनका यूज करेंगे, ये आपको देखना है. उसके बाद यूजिंग अ लिफ्ट और टेकिंग अ स्ट्रेस स्ट्रेस से जाना चाहेंगे या लिफ्ट लेंगे. वेयरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और हीटिंग डिवाइस मतलब हीटर या सिगरी का यूज करेंगे कोल्ड डेज में. ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसे रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं. मैनेजमेंट जो है कोल और पेट्रोलियम का, ये एड्रेस करता है इफिशियंसी हमारे मशीन्स की. फ्यूल बहुत ही कॉमनली यूज इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए यूज होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और रिसेंट रिसर्च में बताया गया है फ्यूल कॉन्सेंट्रेट में इन दिस फ्यूल कॉन्सेंट्रेट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन होता है इन इंजन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी, ताकि उनकी इफिशियंसी इंक्रीज कर सके और रिड्यूस कर सके एयर पोल्यूशन को. एक्टिविटी 16.11 में आपने सुना होगा यूरो 1 एंड यूरो 2 नॉर्म्स के बारे में. जो इमिशन होता है व्हीकल से उसके ऊपर ये नॉर्म्स बनाए गए हैं. फाइंड आउट करना है इन नॉर्म्स को जो वर्क करते हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. एक ओवरव्यू देखेंगे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. और एड्रेस करने के लिए इस इशू को हमें ज़रूरत है कि एक ओपन माइंड रखें विथ रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स. हमें ज़रूरत है कि हम एक्सेप्ट करें कि पीपल जो एक्ट करते हैं विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट आर एज अ प्रायोरिटी. जो उनका इंटरेस्ट है वो उसे प्रायोरिटी पर रखते हैं. बट रियलाइजेशन की बात करें तो ये एक सेल्फिश गोल है जिसके कारण मिजरी हो सकती है फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ पीपल एंड टोटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है हमारे एनवायरमेंट का. और बहुत ही स्लोली ये ग्रो हो भी रहा है. गोइंग बियॉन्ड लॉज लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस के अगर आप आगे निकल जाते हैं तो वी नीड टू टेल आवर रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. और इसीलिए बेनिफिट्स जो हैं डेवलपमेंट के वो रिच करेंगे हर किसी के पास में अभी भी और सारे जनरेशंस के लिए भी जो आने वाली हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हमारे अभी के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए या हमारी न्यू जनरेशंस के लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है. तो नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट एक तरह से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन गया है अभी का या नाउडेज. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व करने चाहिए. और इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है. फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.